पदेन वाचाम मलम शरीरम चचवेदकेना रोपाकरोत्तम प्रविरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिम रानतोस्मी। धीरे से अपनी हाथों को घर्षण करेंगे और अपनी आंख पर लगाएंगे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। धन्यवाद मैम। एक्चुअली वो सेकंड पंक्ति में वो रोपा कर उक्तम ना होके ना मैम वहां पे योपा या है वहां पे, ठीक है? हाँ जी सर। योपा कर उक्तम जी सर, योपा कर उक्तम ना जी। थैंक यू। तो हम लोग पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद को पढ़ रहे हैं। लास्ट कक्षा में हमने धारणा, ध्यान और समाधि तथा संयम के स्वरूप को देखा था, ठीक है? मेरी स्क्रीन और वॉइस आप लोगों तक ठीक ठीक पहुंच रही होगी? जी सर। अष्टांग योग के पांच अंगों को हम साधन पाद में पढ़ चुके हैं, बाकी के जो शेष तीन अंग जो धारणा ध्यान और समाधि हैं उन्हें हम विभूति पाद में पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ संयम से जनित बहुत सी सिद्धियां जो शक्तियां साधक में आ जाती हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो लास्ट कक्षा में हमने सबसे पहले धारणा को देखा था। तो धारणा से तात्पर्य था कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, चित्तस्य देश बंध, अर्थात कोई ऐसा स्थान विशेष या कोई ऐसी वस्तु विशेष, चाहे वह शरीर के बाहर की हो या शरीर के अंदर की हो, उस पर अपने चित्त को ठहरा देना या ठहराना धारणा कहलाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो धारणा है वो ध्यान की प्री स्टेज है। तो ध्यान क्या है? ध्यान जिस देश में या जिस स्थान या वस्तु में हमने चित्त को ठहराना स्टार्ट किया है, अब उस में एकतानता हो जाना, चित्त की एकतानता, यानी वो जो अवस्था है वो इतनी प्रगाढ़ होती जा रही है, मजबूत हो गई है कि अब उसमें बीच बीच में ब्रेक डाउन नहीं आ रहे हैं। धारणा के समय हमने देखा था कि साधक एक लंबे समय तक ध्यान में नहीं जा पाता है। उसका ध्यान लगा, कुछ क्षण लगा, फिर ध्यान टूटा, फिर लगा, फिर टूटा। वो इस स्थिति में काफी समय तक बना रहता है, लेकिन लंबे समय के अभ्यास के बाद धारणा का अभ्यास करते करते साधक ध्यान की स्थिति में आ जाता है और फिर वृत्ति का एक तार चलना एक तानता हो जाती है। यानी जिस ध्येय को टारगेट किया है उसमें ध्याता की वृत्ति उसी के साथ बिल्कुल बिना ब्रेकडाउन के कनेक्ट हो जाती है। उस अवस्था को ध्यान कहा था। और अग्रिम जो समाधि है वो यहाँ पे समाधि के बारे में महर्षि बताते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो चित्त का जो अपना स्वरूप है वो शून्य सा हो जाता है और केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु है तो सिर्फ वही ध्येय ही है और नथिंग। बाकी होता है उसका चित्त रहता है लेकिन उसे पता नहीं लगता, उसका स्वरूप शून्य सा महसूस होता है। तब वही ध्यान जो जिसकी एकतानता हुई थी
समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या बस चेंज आया ध्यान में और इसमें, कि ध्यान जो था वो धारणा की एकतानता था विदाउट ब्रेकडाउन के, पूरी चित्त की वृत्ति उससे कनेक्ट हो गई थी, किससे, ध्येय से। और इसमें क्या हो रहा है कि जो चित्त है उसमें अपने स्वरूप की उसे पता नहीं रहता, वो शून्य सा हो जाता है उसका अपना स्वरूप, और केवल जो ध्येय जिसको टारगेट किया है या जिस पे ध्यान किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रतीत होता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। ठीक है, और ये समाधि मैं कंफर्म करा दूं कि ये वाली समाधि संप्रज्ञात समाधि की ही बात है, यहाँ आप निर्वीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि को ना समझें। अब हमने लास्ट कक्षा में संयम का स्वरूप देखा था कि उपरोक्त तीनों जो अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों की एकत्र अवस्था जहां ये तीनों विद्यमान हों, यानी किसी एक ध्येय में पहले धारणा की गई, फिर ध्यान किया गया और अब साधक समाधि तक पहुंच गया, तो उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी तीनों चीज की विद्वत्ता को, विद्वानता को संयम कहते हैं। ठीक है, तो जहां भी संयम की बात की जाएगी, ये जितनी भी सिद्धियां या सिद्धियों को यह विभूतियां नाम से वर्णन किया गया है, विभूतियां अर्थात शक्तियां, तो वो सब संयम से आएंगी। संयम से, जहां भी वर्ड आपको संयमात या संयम शब्द जहां भी सुनाई दे, वहां आपने सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, धारणा और ध्यान समाधि, इन तीनों को समझना है। ठीक है, कि जहां भी संयम की बात की जा रही है तो वहां ये तीनों किए जाएंगे उसमें, तब जाकर के वो विभूति प्राप्त होगी, वो शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, जिसके लिए हम या जिसके लिए साधक या ध्याता ध्यान कर रहा है या जिसे प्राप्त करने के लिए अभ्यासरत है। ओके, अब अग्रिम सूत्र यहां से आगे हम देखते हैं कि अब होता है कि आखिर संयम जो करेगा, देखो सिद्धियां तो बहुत सारी मिलेंगी, वो तो आगे वर्णन होगा ही, लेकिन और संयम का क्या फल होगा, विशेष फल क्या होगा, तब इस सूत्र में कहते हैं 5th नंबर के, तज्जयात प्रज्ञा लोक, वो साधक किसको जीत लेगा या किसको जीत लेने से क्या मतलब, संयम का जो बेनिफिट होगा वो बुद्धि का प्रकाश होगा, उसको जीत लेने से, यदि संयम जीत लिया या जिसने संयम पर कमांड हासिल कर ली उसको बुद्धि प्रकाश होगा। बुद्धि का प्रकाश से तात्पर्य है, जहां हमने पहले चैप्टर में आध्यात्म प्रकाश नाम से एक वर्ड सुना था, आध्यात्म प्रकाश या रितंबरा प्रज्ञा, यानी कि वस्तु के बिल्कुल एक्यूरेट सत्य के सत्य का ज्ञान हो जाना, उसको उसके कारण का रियल ज्ञान हो जाना, वो शक्ति या वो बुद्धि, ऐसी उसकी इंटेलिजेंस हो जाएगी, यानी बुद्धि प्रकाश हो जाएगा, आध्यात्म प्रकाश हो जाएगा, या रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, किसके किस पे कमांडिंग हासिल करने से होगी ये, संयम संयम के वेरी गुड, संयम, संयम पे जो संयम में परिपक्व हो जाएगा वो, उसको। ठीक है, सर एक अब बार फिर से समझा दीजिए प्लीज सर, हाँ जी, एक बार सर फिर से समझा दीजिए सर। इसी को जी सर देखिए, ऊपर संयम की बात हो रही थी, संयम क्या है, धारणा और ध्यान समाधि की एकत्र अवस्था, इन तीनों को, तीनों के ग्रुप को संयम कहते हैं, इनकी एकत्र अवस्था को संयम कहते हैं। ठीक है, अब वो जो संयम जो ऊपर जो किया जा रहा है, उस संयम का क्या फायदा होगा, क्या फल होगा, तो उसको उस पे सिद्धि प्राप्त कर लेने से, या उसमें साधक जो भी कमांडिंग हासिल कर लेगा, संयम करने लग जाएगा, कोई चाहता है किसी पे कि सूर्य पे संयम करना है तुम्हें, तो खटाक से तुम सूर्य पे, किसी भी वस्तु पे बोला जाए और आपका चित्त मन करे आप उसी पे संयम कर लो, तो इसका मतलब आप संयम पे कमांडिंग हासिल कर चुके हो, और जब आपके संयम पे कमांडिंग हासिल हो जाएगी आपकी, या मेच्योरिटी हो जाएगी आपकी, परिपक्वता आ जाएगी आप पे, तो फिर क्या होगा,
प्रज्ञालोक, बुद्धि प्रकाश प्राप्त हो जाएगा आपको। साधक को क्या होगा? बुद्धि का प्रकाश अर्थात आध्यात्म प्रसाद, प्रसाद अर्थात रितंबरा प्रज्ञा। बुद्धि प्रकाश से तात्पर्य उसको ऐसी बुद्धि आ जाएगी कि जो हर वस्तु हर तत्व का सही सही बिल्कुल एक्चुअल ज्ञान उसे प्राप्त हो सके, उसके कारण का, उसकी उत्पत्ति और उसके पूरे सिस्टम का वो अपनी बुद्धि से ही जान जाएगा। होता है ना, कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि थोड़ा सा वर्ड पता लग जाए उन्हें कि किस मैटर में कोई वर्ड पता लगा वो पूरा मैटर जान जाते हैं। होता है ना, तो उससे भी और ऊपर की हायर लेवल की चीज है ये बुद्धि प्रकाश या प्रज्ञा लोक। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होगा? संयम को जीत संयम लेने से से, संयम जी। को जीत लेने से। ओके, अब क्लियर जी हो सर, गया है? हाँ, जी सर, क्लियर हो गया। अब अगले सूत्र में फिर कहते हैं कि आखिर उसकी विधि क्या है, कैसे संयम किया जाए, उसका विधि कैसे कैसे होगा संयम। तो उसकी विधि के बारे में बताते हैं कि तस्य भूमिषु विनियोग, विनियोग करना चाहिए, यानी कि उस संयम का क्रम से, उसकी भूमियों का क्रम से एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिकली विनियोग करना चाहिए। अर्थात जैसे सपोज दैट पहले हमने जो स्थूल तत्व हैं, स्थूल तत्व से तात्पर्य है ज्यादातर पंच महाभूत, हमारी इंद्रिय आदि स्थूल कहे जाते हैं, या फिर जिन्हें भी हम दृष्टिगोचर कर सके, महसूस कर सके, देख सके आदि, ये सब स्थूल विषय हैं। तो पहले हम स्थूल विषयों पे या स्थूल तत्वों पे संयम करना शुरू करें, ठीक है? स्थूल के बाद फिर सूक्ष्मों पे संयम करना शुरू करें, यानी एक क्रम से। अगर कोई व्यक्ति सीधा चाहे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म पे संयम करने के लिए चढ़ने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं उसको साधना में सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल पड़ेगा, वो हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ही खुद सोचो कि जो स्टेप बाय स्टेप पर मेच्योर होगा, जो परिपक्व होगा, वो शक्ति कुछ अलग ही होगी। पहले तो जो डायरेक्ट ही कोई करना चाहे, सीधा ही कहे कि मैं जी प्रकृति पुरुष पे कर रहा हूं, सब ईश्वर पे कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इन महर्षि का कहने का मतलब है आप एक सिस्टम को फॉलो करें, ठीक है? हर चीज का एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ ना कुछ काम करना होता है। हम सीधा ही खटाक से कहें कि अब आपको कोई सब्जी बनानी है, तो उसका एक सिस्टम होगा कि पहले आपको ये चीजें चाहिए, उसके बाद ये डालना है पहले, फिर वो डालना है, पहले मसाला पकाना है, फिर उसके बाद ये चीज डालनी है, फिर ये डाल के तब जा करके वो पकेगी। आप क्या करोगे, सारा का सारा एकदम सब चीज लिया, पनीर बना रहे हो आप, पनीर लिया, मसाला लिया, तेल से और जो भी नमक आदि जो भी लिया सब एक साथ डाल दिया, क्या वो सिद्ध हो पाएगा, क्या वो बन पाएगा? नहीं ना। तो उसी चीज को महर्षि कहते हैं यहाँ पे कि आप एक सिस्टम को फॉलो करना है। पहले आप ऐसे विषयों को टारगेट करें जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अर्थात स्थूल विषय। इनकी लैंग्वेज में कहें तो पहले स्थूल तत्वों को पे संयम करना स्टार्ट करें, फिर उसके बाद सूक्ष्म पे जाएं, ठीक है? तो उस संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए, क्रम से एक के बाद एक। गुरु जी, विनिमय मतलब हम समझ जाए क्रमबद्ध तरीका से, यानी स्थूल बिल्कुल, से सूक्ष्म की ओर। हाँ जी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जी, यस। ये नहीं कि डायरेक्ट ही सूक्ष्म पे चले गए तो मुश्किल पड़ेगा, ठीक है? सर फिर बिल्कुल। इसमें पहले जैसे कि वितर्क आएगा, फिर विचार, फिर आनंद, फिर हाँ अस्मिता, हाँ यही वहां ना? वहां 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 जैसे सिस्टम फॉलो किया था ना समाधि में, वही सिस्टम सेम वहां भी ऐसे ही सिस्टमेटिक, और ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना होगा, ठीक है? हर चीज देखो, इसमें महर्षि ने इतना सिस्टम को फॉलो किया है, यदि आप समझ सको तो
एक के बाद इतनी चैन बनी है, हर चीज की ऐसी श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने इस पूरे ग्रंथ को, कि आप सोचोगे तो बड़ा सोचोगे कि एक दूसरे कैसे इंटरकनेक्ट हैं, हर एक सूत्र और हर सिस्टम, हर जो साधन वो एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? अब ऊपर के जो साधन जो बताए गए हैं, ऊपर के साधन अर्थात धारणा ध्यान समाधि, उनकी कुछ विशेषता बताते हैं कि उनकी विशेषता क्या है। उनकी विशेषता ये है, वो कहते हैं कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः पूर्वेभ्यः। त्रयम मतलब वे तीनों कौन से जो अभी ऊपर वर्णन जिनका हुआ, किस किस का? धारणा का, ध्यान का और समाधि का। ठीक है, मुख्य रूप से यही अंग थे। ठीक है, और ये अंतरंगम पूर्वेभ्यः, जो पहले जिनका वर्णन हुआ था, पहले किस किस का हुआ था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन्हीं का, पांच का हुआ था। उन तीनों की अपेक्षा ये तीनों जो हैं अंतरंग साधन हैं। अंतरंग से तात्पर्य है कि ये कैवल्य अवस्था के ज्यादा नजदीक हैं और वे थोड़े दूर हैं। आप सोचिए कि आपको यदि दिल्ली जाना है, एक व्यक्ति गाजियाबाद में खड़ा है और एक व्यक्ति आगरा में खड़ा है, तो कौन सा व्यक्ति दिल्ली के नजदीक होगा? जो गाजियाबाद में है वो स्वाभाविक है कि वो दिल्ली के नजदीक होगा। जो दिल्ली के पास जो जगह है वो अंतरंगम, अर्थात ये तीनों अंग केवल अवस्था के नजदीक हैं, इसलिए ये अंतरंग कहे गए हैं, नजदीक हैं उनकी अपेक्षा पूर्वेभ्यः। तो इसका सीधा तात्पर्य ये हो गया कि ये अंतरंग हैं तो वे क्या कहे जाएंगे? तो जो पांच पहले हुए थे वो बहिरंग बहिरंग बहिरंग। वेरी गुड। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने बहिरंग साधन हैं, तो आप उनकी कितनी संख्या पांच बताओगे? पांच। वैसे पांच ही। पांच और अंतरंग साधन? तीन। तीन वेरी गुड। कहीं कहीं पे इनमें ना, इन पूरे अष्टांग अष्टांग योग में कुछ कुछ विद्वान लोग कई ग्रंथों में प्रत्याहार जो है उसको अंतरंग साधन में काउंट किया गया है, यानी चार बहिरंग और चार अंतरंग माने गए हैं। कई कई ग्रंथों में अलग आप पढ़ोगे आगे आएगा, इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन और ग्रंथों में कई विद्वानों ने हठ योगों में कहीं कहीं माना है, तो वो आपको पता लगेगा। तो कुल मिलाकर के हमें सिर्फ ये समझना है यहाँ पे कि जो यम से लेकर के प्रत्याहार तक पांच बहिरंग साधन हैं और धारणा ध्यान समाधि ये जो है अंतरंग साधन है। क्लियर हो गया है ये? सर, संयम भी अंतरंग साधन होंगे क्या? संयम को भी अंतरंग मानेंगे? एक्चुअली संयम संयम कोई साधन थोड़ी नहीं मैम, संयम तो उनकी संयुक्त अवस्था है, साधन हाँ, तो संयुक्त धारणा अवस्था। ध्यान हाँ। समाधि ही है ना। संयम तो वो तीनों एक जगह इकट्ठे हो गए, उसको कह दिया जैसे समूह। हम किसे कहते हैं? जैसे आप अभी अकेले खड़े हो तो जैसे आप अभी अकेले खड़े हो तो आपको सिंगल व्यक्ति कहा जाएगा, है नहीं? और वहीं पे बहुत सारी मैम और एकाध अर्चना आयुषी आपके साथ खड़ी हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे एक ग्रुप कहा जाएगा, एक समूह कहा जाएगा। ग्रुप तो उस समूह कहा का नाम जो है संयम है। जाएगा। अच्छा ठीक जी है, सर। तो अब अग्रिम कहते हैं कि ये अंतरंग तो हैं लेकिन तदपि बहिरंगम निर्वीजस्य, लेकिन जो निर्वीज समाधि है या जिसे ये कहें जो कैवल्य अवस्था है उसके ये बहिरंग हैं। कौन? धारणा ध्यान समाधि निर्वीज अवस्था के या निर्वीज समाधि के बहिरंग साधन हैं। कोई ये कह दे कि ये तीनों निर्वीज समाधि है, नहीं, गलत है। यानी कि ये भी, इन्हें भी बाहर दरवाजे पे रहना पड़ेगा निर्वीज समाधि तक। ये भी यानी उसके गेट तक पहुंच रहे हैं, ये डोर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सोचे कि उसके
रूम में एंटर कर जाए निर्विज समाधि के में, उसमें तो वो नहीं है ये, तो उसकी यानी ये महत्व। गुरुजी, हाँ जी गुरुजी यानी केवल अवस्था हो गया, निर्भी समाधि हो गया, ये गेट के अंदर में है, ये बाहर में है, मतलब धारणा ध्यान हाँ, समाधि। ये जो है वहां तक ले जाने में सहायक है, आपको ले जाएंगे, लेकिन कोई ये कह दे कि यही निर्विष अवस्था है या यही केवल है, नहीं, इन्हें भी छूटना पड़ता है, ये भी छूट जाते हैं बाहर। जब साधक को या जब दृष्टा को निर्विज अवस्था प्राप्त होती है तो ये सारी चीजें फिर रह जाती हैं दूर। ठीक है, सर, फिर ये सबीज समाधि तक ही आएगा ना इसका क्षेत्र? बिल्कुल, ये सारा क्षेत्र सभी समाधि ही कहा जाएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि निर्विज समाधि तो सीधी असंप्रज्ञात समाधि है, और असंप्रज्ञात समाधि में कुछ नहीं होता, सिर्फ ईश्वर होता है और उस दृष्टा का उसमें मिलन होता है बस, बाकी जितने भी बजा रहे हैं, जितने भी तमाशे जो भी है, सब पीछे रह जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? अब जो गुण है, हमने देखा कि ये सारा सिस्टम या सारे तत्व जो हैं गुणों से मिलकर के बने हुए हैं, जो भी जितने इनमें त्रिगुण विद्यमान हैं, सत्व रज तम, और गुणों का जो स्वभाव है वो चंचल है, इसी वजह से उनमें प्रति क्षण कोई ना कोई चेंजेज होते रहते हैं। कहते हैं चेंजिंग इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स, वो क्यों है? क्योंकि गुणों की वजह से, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो त्रिगुणात्मक का है, इसलिए वो बदलता रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार चित्त भी, चित्त में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो चित्त की कुछ अवस्थाओं के नाम, कुछ अवस्थाओं के बारे में अब बतलाया जा रहा है, यानी स्टेजेस, आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ समझना है कि अवस्था स्टेजेस बदल रही है, चीज वही चल रही है कि अब एक के बाद अब इस वाली रो पे आ गया है साधक, इसके बाद इस पे आ गया है, अब ये अवस्था आ गई है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इन्हें परिणाम के नाम से जाना जाता है, और वो भी परिणाम त्रय, जैसे कि आप देखो तो यहां से यदि हम स्टेजी चेंज करते हैं कि ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से चलना शुरू किया, ऐसे घूमे और फिर उसके बाद ये घूमे, ये घूमे, यानी हर बार एक राउंड बदलता जा रहा है और उसकी स्टेज दूसरी आती जा रही है, ऐसे करके जो लास्ट कक्षा में भी हमने बनाया था। तो ये अपनी अलग स्टेज है ये वाली, उसके बाद ये अलग स्टेज है और ये अलग स्टेज है, लेकिन है एक ही की स्टेज ना ये। ठीक है, तो अब सब ये जो परिणाम त्रय, उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है कि आखिर परिणाम त्रय के बारे में कैसे जाने, तो सबसे पहले आता है निरोध परिणाम। निरोध परिणाम के बारे में महर्षि कहते हैं कि व्युत्थान निरोध संस्कार योर भिवव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। अब इसके बारे में कहते हैं कि देखो दो तरह के संस्कार यहाँ पे काउंट किए जा रहे हैं, एक व्युत्थान अवस्था के संस्कार और एक निरोध अवस्था के संस्कार। आप ऐसे समझिए कि व्युत्थान अवस्था से तात्पर्य है कि आप ऐसे समझिए जैसे हमने दो तरह की वृत्तियां देखी थी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, तो जो क्लिष्ट थी वे हमें क्लेशों में धकेलने वाली थी या संसार में फंसाने वाली थी, यही तो देखा था हमने, और जो अक्लिष्ट थी वे हमें ऊर्ध्व गति देने वाली या कैवल्य की तरफ पुश करने वाली थी। इसी अग्रसर तरीके, किरण, हाँ जी ये बोल सकते हैं केवल की तरह अग्रसर करवाती है अक्लिष्ट अग्रसर वृत्तियां। अग्रसर कराने वाली थी, बिल्कुल, ये आप वर्ड अपने हिसाब से ले सकते हो, बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो निरोध परिणाम है वो क्या है, इसमें दो तरह के परिणाम आते हैं चित्त के, कौन कौन से? एक तो व्युत्थान अवस्था के और एक निरोध अवस्था के। आप सोचिए कि कुछ वे वृत्तियां जो सांसारिकता में फंसा रही हैं, कुछ वे वृत्तियां जो आध्यात्मिकता या कैवल्य की तरफ ले जा रही हैं। तो जो व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार थे, अर्थात जो सांसारिकता में
फंसाने वाले थे वे दब जा रहे हैं, दब रहे हैं मतलब वो नीचे दबते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। और निरोध अवस्था अर्थात जो हमें कैवल्य की तरफ ले जाए, वे वाले संस्कारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप समझ पा रहे हो? यानी कि कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हो कि आप वो एक व्यक्ति हो और यहाँ आपके ये आप हो और यहाँ पे इस तरफ आपके दुश्मन हैं और इस तरफ आपके फ्रेंड्स हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये दुश्मनों की संख्या जो है कम होती चली जा रही है और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये वाली अवस्था यानी कि ये व्युत्थान अवस्था के संस्कार जिन्हें हमें दबाना है या जिन्हें कम करना है, ठीक है, वे कम हो रहे हैं, उनका दब जाना अर्थात उनका कम होना, और जो निरोध अवस्था अर्थात जो हमें सहायता प्रदान करेगी कैवल्य की तरफ बढ़ने के लिए, उनका प्रकट हो जाना, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ जाना, उनका प्रकट हो जाना, ये छिपे हुए थे। क्योंकि हर व्यक्ति में देखो दो प्रकार की शक्तियां विद्यमान रहती है, नकारात्मक शक्तियां सकारात्मक शक्तियां। जिसके अंदर नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है, भगवान ने भगवद गीता में सीधा कहा है कि जिसके अंदर नकारात्मक शक्ति बढ़ी, जो अपने इंद्रिय आदि का गुलाम बन गया, वो स्वयं का शत्रु हो गया, और जिस पे ये हावी नहीं हुई, जिसका इन इंद्रिय आदि इन पे सब पे कंट्रोल है, वो स्वयं का मित्र भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निरोध अवस्था व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, निरोध काल में इसको क्या कहा जाता है? निरोध परिणाम कहा जाता है। इस पूरी अवस्था का नाम क्या है? निरोध निरोध परिणाम। परिणाम। क्यों? क्योंकि इसमें निरोध अवस्था के जो संस्कार थे, ये सब संस्कारों के कारण ही हो रहा है सारा तमाशा। दो तरह के संस्कार हैं, एक व्युत्थान अवस्था के संस्कार और एक निरोध अवस्था के। तो व्युत्थान अवस्था वालों को हमें दबाना है, उन्हें कम करना है, और निरोध वालों को बढ़ना है। तो ये साधना से होता चला जा रहा है कि जो व्युत्थान वाले थे वे कम होते चले जा रहे हैं और निरोध वाले अपने प्रकट होते चले जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को निरोध परिणाम कहा गया है। आपको क्लियर हो गया होगा निरोध परिणाम? गुरु जी एक बार और बता दीजिए। एक बार और भी बता दीजिए। बोल सकते हैं ना कि सर, एक एक करके बोलो। हाँ जी, व्युत्थान में क्या क्या आएंगे और निरोध में क्या क्या देखिए आएंगे ये बता ऐसे दीजिए। ऐसे ज्यादा आप वो मत समझो, सिर्फ आप ये समझो कि निरोध, देखो आप दो रास्ते, आप यहाँ खड़े हो और एक ये रास्ता है और ये आप खड़े हो ये, और एक ये रास्ता है। ये रास्ता आपको अपने गॉड से मिलाने वाला है और ये रास्ता आपको नीचे संसार चक्र में फंसाने वाला है। तो आप यहीं पे दो टाइप के संस्कार उत्पन्न हुए, ये मान लो कि ये आपको दबाने हैं, इधर वाले संस्कार जो उत्पन्न हो रहे हैं, और इधर वाले प्रकट होने हैं, जिससे कि आप इधर के इनका हाथ पकड़ के आप ऊपर बढ़ सको, ठीक है। तो ये व्युत्थान अवस्था के संस्कार हैं और ये निरोध अवस्था के। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना है यानी कम हो जाना, और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना या उनका बढ़ जाना, जो भी है। तो ये पूरा निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत परिणाम को निरोध परिणाम कहते हैं, क्योंकि इसमें निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट होने लग गए, यानी साधक को वो ऊपर तक पहुंचाने में, उसकी साधना को पूरा कराने में सहायक होंगे। तो इस पूरी अवस्था को क्या कह दिया? निरोध निरोध परिणाम। परिणाम। निरोध हाँ जी परिणाम बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सर, में ये भी उदाहरण आएगा क्या कि जो वाल्मीकि ऋषि थे पहले, तो वो रुष्ट थे, लोगों को मारते थे, फिर वो जब राम नाम का जप करने लगे तो फिर वो व्युत्थान से, व्युत्थान संस्कार दब गए, फिर उनका निरोध संस्कार की तरफ उनकी प्रगति हो गई।
हाँ, उनके उनके अंदर वो ऐसे संस्कार उत्पन्न होने लग गए जो उनकी साधना में उन्हें आगे बढ़ाएं। अब वो संसार चक्र से दूर होने लग गए या फिर जो पाप कर्म करते थे उन्हें छोड़ना शुरू हो गए, तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि वो भी लिया जा सकता है एग्जाम्पल। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि यहाँ पे निरोध संस्कारों का उदय हो रहा है और व्युत्थान संस्कारों का दमन हो रहा है, या व्युत्थान संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, जो हमें संसारिकता में खींचते हैं, जो हमारी टांग खिंचाई करने वाले हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, और जो हमें सहारा दे के ऊपर उठाने वाले हैं वे प्रकट हो रहे हैं बस। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कह दे रहे हैं, निरोध परिणाम, इसलिए क्योंकि ये ज्यादा जी प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को निरोध परिणाम नाम दिया गया है। ठीक है, निरोध परिणाम के द्वारा ही हम कैवल्य की ओर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है कि ये आपको साधना में ऊपर उठाने वाले हैं, और व्युत्थान वाले क्या है कि व्युत्थान वालों को हमें कम करना है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए और तरीके से, कि हर वस्तु से हमें किसी न किसी से अपनी प्रिय वस्तु से आसक्ति होती है, तो उस आसक्ति का और बढ़ते जाना, इसका मतलब वो व्युत्थान वाले संस्कार आपको और खींच रहे हैं, फंसा रहे हैं उसमें, बढ़ रहे हैं, और वहां पे वो आसक्ति दूर होकर के आपकी किसी दूसरी तरफ अपने ईश्वर में अटैचमेंट होना, इधर से हटके दूसरी तरफ के जो बढ़ रहे हैं, जो वास्तविक सच्चाई है जी, या जिसे आपको प्राप्त करना है उस तरफ को बढ़ रहे हैं, तो वो जो है निरोध अवस्था के परिणाम कहे जाएंगे। ठीक है, जी सर, तो इसे निरोध परिणाम कहते हैं। अब जो अग्रिम परिणाम है, इन्हें क्रम से नाम आते हैं इनके, इनके क्रम पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, निरोध, समाधि, फिर एकाग्रता। ठीक है, तो इनके नाम याद कर लेना, सीक्वेंस से नाम पूछे जाते हैं। अब अग्रिम परिणाम आता है, इसके बाद आएगा इस सूत्र के बाद। एक्चुअली होता क्या है, तस्य प्रशांत बाह्यता संस्कारात, उस समय क्या हो जाता है, प्रशांत बाह्यता हो जाती है संस्कार बल से। किसके बल से, जो संस्कार थे, ये सारा संस्कारों की वजह से व्युत्थान और निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट हो रहे थे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि संस्कार के बल से उस चित्त की प्रशांत बाह्यता हो जाती है। प्रशांत बाह्यता से तात्पर्य है कि निरोध संस्कारों की अधिक प्रवाह, यानी प्रशांत बाह्यता, वो निरोध संस्कार ज्यादा बहने लग जाए, उनकी मात्रा काफी बढ़ जाए, है उनकी मात्रा का अधिक बढ़ जाना प्रशांत बाह्यता है। ठीक है, संस्कार बल से उसके संस्कार इतने बल हुए या प्रबल थे कि उससे चित्त की जो प्रशांत बाह्यता स्थिति होती है, जब निरोध संस्कारों की मात्रा बढ़ी हुई होती है, उस समय उसके चित्त की प्रशांत बाह्यता होती है, उसे प्रशांत बाह्यता कहते हैं। ठीक है, सर हम इसको निरोध परिणाम का फल बोल सकते हैं क्या, प्रशांत भाई का? आप फल तो नहीं कहेंगे इसे, ये कहेंगे उनकी बाहुल्यता, यानी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं ऐसे संस्कार है जो अब आपको साधना की तरफ प्रति क्षण सहायता ही सहायता करते जा रहे हैं। तो फल तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उनकी बाहुल्यता, यानी कि वो भरपूर मात्रा में, कह देखो यहाँ क्या है ना, निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, ये देखो लिखा है इधर, जी सर, व्युत्थान के दब गए सर्वथा दबते चले जा रहे हैं, यानी हमारे दुश्मन दबते चले जा रहे हैं और हमारे दोस्त बढ़ते चले जा रहे हैं, वो वाली अवस्था। ठीक है, जी सर, तो उनकी संख्या के बढ़ने को प्रशांत बाह्यता नाम से कह दिया है। ठीक है, अब अग्रिम आता है समाधि परिणाम। तो देखो चीज वही है, ज्यादा वो नहीं होना। तो समाधि परिणाम में क्या होता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि किसी एक चीज को, देखो यहाँ कहा है कि सर्वार्थ तैकाग्र तयोह एकाग्र तयोह क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणाम। चित्त का समाधि परिणाम कौन सा होता है, जिसमें सभी की सभी, और जो यहाँ पे एकाग्र तयो, कुल मिलाकर के जो चित्त का समाधि परिणाम है वह है कि किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली, अब ऐसी वृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं,
ऐसी अवस्था आ गई है, चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो गया है। कैसी का? जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का, एक ही ध्येय विषय को याद कर रही है या उसका चिंतन कर रही है। देखो उसमें क्या हो रहा था, उसमें व्युत्थान को दबाया था, निरोध का उदय हुआ था। अब इसमें क्या हो रहा है कि किसी जो ध्येय विषय बनाया है उसको चिंतन करने वाली एकाग्र अवस्था का उदय हो गया है, कि सिर्फ अब उसी को चिंतन करने वाली एक अवस्था रह गई है। यानी ऐसी अवस्था उदित हो गई है कि अब सिर्फ और सिर्फ उसी ध्येय को चिंतन करने वाली अवस्था चित्त में आ गई है। देखो यहाँ पे कहें कि सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की जो वृत्ति का क्षय हो जाना, जो अन्य विषयों का और जो इधर उधर के विषयों का जो चिंतन करने वाली वृत्ति थी वो तो क्षय हो गई है, और किसी एक ध्येय ही विषय का चिंतन करने वाली एकाग्र अवस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि परिणाम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इधर उधर से सब जगह से मन बिल्कुल हट करके सिर्फ और सिर्फ एक एक विषय रह गया है, वो भी जिसको ध्येय बनाया है वही ध्येय विषय सामने है और उसी को चिंतन करने वाली वृत्ति है, बाकी और कोई वृत्ति नहीं है। जैसे वहां व्युत्थान वाली कुछ वृत्ति उत्पन्न हो रही थी वो सब दब गई पिछली अवस्था में, निरोध वाली में भी बहुत तरह की ऐसी थी कि थी तो सहायक ही लेकिन सबकी आवश्यकता नहीं हुई, फिर भी उनमें से सिर्फ और सिर्फ अब एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्र अवस्था का उदय हो गया है। सिर्फ उसमें फुली कॉन्सेंट्रेट साधक हो जाए वो अवस्था समाधि परिणाम कही जाती है। ठीक है, सर वो तीन प्रकार कौन से बोले आपने? निरोध परिणाम, एकाग्र अवस्था, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ठीक है, तीन परिणाम है, त्रिप परिणाम त्रय, ये क्रम से आएंगे, आते हैं जरूर, कई बार आ चुके हैं परीक्षा में, इनके नाम पूछता है क्रम से। अब आता है अगला सर, निरोध संस्कार फिर एकाग्र है ना? नहीं नहीं, निरोध परिणाम फिर समाधि परिणाम और फिर एकाग्रता परिणाम, NSA। हाँ सर, समाधि परिणाम का सूत्र कौन सा है फिर? हाँ जी, समाधि परिणाम का सूत्र कौन सा है? समाधि परिणाम का वही था ये वाला, देखो ऊपर सबसे पहला यहाँ दिखाया ना मैंने, ये व्युत्थान निरोध संस्कार है और ग्यारहवां श्लोक, ये देखो, हाँ ये वाला है, ये देखो, व्युत्थान निरोध संस्कार और विभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो, नवा सूत्र है ये, निरोध परिणाम है। देखो यहाँ लिखा है ना, आप ये लास्ट वाला वर्ड सब में देखते जाना, इसमें यहाँ क्या लिखा है, इसमें यहाँ पे लिखा है देखो ये निरोध परिणाम, तो ये निरोध परिणाम का सूत्र है। अगले उसमें देखो यहाँ क्या लिखा है, इस वाले में ग्यारहवें में क्या लिखा है, समाधि परिणाम, तो ये क्या हो गया, समाधि परिणाम। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, यहां से पढ़िए, एकाग्रता परिणाम परिणाम, ये तीनों परिणाम हो गए, परिणाम त्रय। तो अब एकाग्रता परिणाम को समझे, हमने निरोध परिणाम को समझा जिसमें व्युत्थान अवस्था के संस्कार दब रहे हैं और निरोध अवस्था के संस्कार का उदय हो रहा है, वो प्रकट हो रहे हैं, वो निरोध परिणाम है। समाधि परिणाम को हमने देखा कि जिसमें सभी विषय को चिंतन करने वाली वृत्ति क्षय हो चुकी है और केवल एक ही विषय को और केवल एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली वृत्ति का उदय हो गया है, या वो वही वृत्ति चल रही है। ठीक है, वो समाधि परिणाम है। अब एकाग्रता परिणाम क्या है उसके बारे में कहते हैं, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। तो कहते हैं
कि शांत होने वाली, देखो शांत और उदित, शांत और उदित, शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों तरह की वृत्तियां, जिन्हें शांत होना है या जो शांत होने जा रही हैं और जो उदित हो रही हैं, समझ रहे हो आप, उन दोनों तरह की वृत्तियों को तुल्य प्रत्यय, उन दोनों होने वाली और तुल्य प्रत्यय उनका क्या हो जाना, एक रूप सा हो जाना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे और सही से देखिए, देखिए आप इसे पढ़िए, उसके बाद क्या होता है, फिर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं, तब वह जो है क्या होता है, चित्त का एकाग्रता परिणाम कहा जाता है। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये बहुत बड़ा साधना का विषय है, इसे इस तरीके से शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो इसके इर्द गिर्द की तो बहुत दूर की बात, हम तो बहुत दूर भी नहीं है इसके, क्योंकि ये बहुत आगे की चीजें हैं, इसलिए आप परीक्षा की दृष्टि से इसे उतना समझिए और खुद पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इसे समझा पाना उतना सरल विषय नहीं है, ठीक है सर। तो, ये शांतोदितो, सर शांतोदितो मतलब उदित होते होते ही शांत हो जाता है तुरंत? नहीं, शांत होने वाली और उदित होने वाली दोनों की तुल्य प्रत्यय, दोनों की एक सी वृत्ति हो जाना, दोनों एक जैसे हो जाना, आप ये कह सकते हो कि जो दृष्टा और ईश्वर का एक हो जाना, इस तरीके से कहीं कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आप देखो, आप थोड़ी सी सी इस व्याख्या को पढ़ के नहीं आते हो, थोड़ा लंबा समय लगेगा। जब चित्त विक्षिप्त अवस्था से, देखो कुछ अवस्थाएं ये भूमियां हैं चित्त की, पंच भूमियां हैं, उसमें विक्षिप्त अवस्था एक और चित्त विक्षिप्त, तो ये विक्षिप्त है। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है, चित्त में कभी सात्विक गुण बढ़ता है तो कभी राजसिक। जब सात्विक बढ़ता है तो व्यक्ति साधना पक्ष की तरफ बढ़ता है, और जब राजसिक बढ़ता है तो वही व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो चित्त की विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था, उससे अगली अवस्था एकाग्र अवस्था है, तो एकाग्र अवस्था में जब प्रवेश करता है तो उस समय चित्त का जो परिणाम होता है उसका नाम तो समाधि परिणाम था, क्योंकि वहां एकाग्रता आ रही थी, क्योंकि यहां कहा भी गया था ना चित्तस्य एकाग्रतयो, देखो ये कहा गया है, देखिए सर्वार्थ एकाग्रतयो, एकाग्र अवस्था आ रही है, छयो देव चित्तस्य समाधि परिणाम। आपको जब चित्त वृत्ति वो पढ़ाई जाएंगी भूमियां, तो उसमें क्षिप्त विक्षिप्त और फिर एकाग्र, तो एकाग्र अवस्था आई यानी कि वह समाधि परिणाम तक पहुंचा, ठीक है। और जब चित्त भली भांति समाहित हो चुका कहें, या फिर एकाग्र हो चुका चुकता है, तो उसके बाद जो चित्त में परिणाम होता है उसे एकाग्रता परिणाम कहते हैं। यानी कि एक तो होता है चेंजिंग वाली मोड के चेंज हो रहा है, एक होता है चेंज हो चुका है, एक हम लोग देखते हैं ना कि वेदर चेंज हो रहा है, आप नवंबर के महीने में देखोगे तो वेदर चेंज होता है, सर्दी शुरू होती है आना, तो वो वाली अवस्था जो है वो समाधि परिणाम है। और आप उसी को दिसंबर में देखोगे, जनवरी में देखोगे, तो क्या होता है, पूरे तरीके से चेंज हो चुका होता है वेदर, यानी सर्दी आ चुकी होती है, इस अवस्था को एकाग्रता परिणाम कहते हैं, ठीक है। तो क्या समझे, हम समझे कि इसमें अब दो मोड नहीं है, जैसे कहते हैं ना ये संध्या काल का समय, अभी थोड़ा दिन है थोड़ी रात्रि है, आप लोगों ने देखा होगा प्रहलाद के जो पिताजी को मारा गया था हिरण्यकश्यप, जिनके लिए नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था,
तो वो दो स्थिति वाला समय था, दिन भी था रात्रि भी थी। अब वो चीज खत्म होकर के एक जैसी हो गई है, या तो दिन हो जाए या रात्रि हो जाए। इसी तरीके से चित्त की जो भी दो अवस्थाएं हों, या दोनों तरफ भागने वाली जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो सब खत्म होकर के एक हो गई है, दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? एकाग्रता परिणाम। ठीक है, समय हाँ काफी हो गया है, आज ये परिणाम त्रय हम लोगों ने समझे, इसके बाद धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम को वृत्ति चित्त की कौन सी दो कुछ आप बता रहे थे क्या है? ये देखो, उदय शांत होने वाली और उदय होने वाली, वे जो शांत हो रही हैं या जो दब रही हैं, और जो उदय होने वाली हैं, वे दोनों क्या हो गई हैं? एक जैसी हो गई हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हो ये वैसी टिप्पणी। ठीक है, तो इस अवस्था को एकाग्रता परिणाम कहा गया है। और समाधि में क्या हुआ था? समाधि में हुआ था कि एक ही तरह की वृत्ति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरी तरह की वृत्ति वहां थी ही नहीं, मतलब एक तरह की वृत्ति चलने लग गई थी जी। ठीक है, और यहाँ आके वो जितनी भी और जो ये कहें, ये देखो ये एक रास्ता है, इस रास्ते से एक रास्ता यहाँ से ये निकला, ये एक रास्ता फिर आगे चल के ये निकल गया, ये चल रहा है, तो ये क्या है? अब आगे चल के ये रास्ते सब के सब ऐसे, ये जो ये जितने भी इधर उधर हो रहे थे वे सब आकर के क्या हो गए? मिल के एक में एक हो गए। तो ये वाली जो सिचुएशन हो गई है वो एकाग्रता अवस्था है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा, बाकी समय भी हो गया है और अगली कक्षा भी है, तो थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, नहीं तो किसी की कोई विशेष समस्या हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप पढ़ो इसे, क्योंकि ये बड़ा कठिन विषय है समझ रहा इसे। ठीक है, तो आप जी सर, मैं भी स्टार्टिंग वाला नहीं सुन पाई थी सर, वो नेटवर्क इशू आ रहा था। अच्छा। सर मैंने, हाँ जी सर, और चलो कोई नहीं, आप किसी एक विशेष को बता रहे हो तो बताइए, नहीं तो आप चैनल देखिए, आप चैनल पे जाना। ठीक है, बाकी कोई एक सर, एक छोटा सा क्वेश्चन सर, उदित तो मतलब क्या होता है? उदित तो मतलब उदित होने वाला, उठने वाला, प्रकट होने वाला, जी प्रकट होने वाला। ठीक है सर, कहते हैं ना सनराइजिंग, राइजिंग, राइजिंग मतलब उदित होना, सेट मतलब अस्त होना। सर मेरे प्रश्न में जो संयम बोला आपने कि धारणा ध्यान समाधि के बाद जो समाधि की स्थिति आती है, फिर जो साधक योगी होगा फिर वो एक ही बार वो समाधि में जा सकता है या बार बार जैसे समाधि छूट गई फिर से फिर चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे योगी और बहुत सारे महर्षियों के हमें पता है कि वे अपना शरीर छोड़ देते हैं, कितनी बार समाधि में चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन वे सब समाचार या जितना भी व्यापार है वो जहां तक है वो संप्रज्ञात समाधि का रहता है, लेकिन जब जिसको जो असंप्रज्ञात समाधि में चला गया या निर्विष समाधि को प्राप्त कर गया, इसका मतलब वो पूरी तरीके से विलीन हो जाएगा जाके अपने ईश्वर, फिर वो वापस नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा वापस। ठीक है, चलिए, तो सर वो धारणा नहीं होगी जी, जब वो समाधि में जाके वापस आएगा तब तो वो धारणा वाली स्टेज है ना, जब वो पूरी तरीके से समाधि में, धारणा कह लो, अब धारणा कैसे धारणा कही जा सकती है, वो ध्यान में भी जा सकता है, नहीं तो समाधि में भी जा सकता है, वो कोई सा भी हो सकता है उसमें से, लेकिन वो कही तो यही जाएगी कि वो संप्रज्ञात समाधि में ही घूम रहा है, कहीं पे भी हो वो। ठीक है जी सर, थैंक यू। और गुरु जी सर संप्रज्ञात में वापस आ जाएगा और असंप्रज्ञात में विलीन हो जाएगा ईश्वर में। असंप्रज्ञात का मतलब तो वैसे यही है, यहाँ तक है कि निर्विष समाधि प्राप्त कर गया वो, यानी कि वो पूरी तरीके से उस अवस्था को प्राप्त कर चुका कि वो जहां से उत्पन्न हुआ था वह वहीं जाके विलीन हो गया। ठीक है,
फिफ्थ नंबर का और सिक्स नंबर का थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था नेट की वजह से। कौन सा? फिफ्थ नंबर और सिक्स। फिफ्थ और सिक्स? हाँ हाँ जी, ये तो वैसे चलो ठीक है बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें था फिफ्थ और सिक्स। देखो ये संयम का फल बताया गया था, ऊपर हमने संयम का जाना था कि संयम क्या है। देखो कोशिश किया करो टाइम से सभी ज्वाइन किया करो, दोबारा वो पढ़ाते हैं बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होता है। धारणा ध्यान एंड समाधि, उनकी एकत्र अवस्था को संयम कहा था। और जो साधक इस संयम में परिपक्व हो जाएगा, या कहें कि जो साधक संयम को में कमांडिंग हासिल कर लेगा, उसको क्या होगा, तज्जयात प्रज्ञालोक, उसको प्रज्ञा लोक की प्राप्ति होगी। अर्थात उसकी जो बुद्धि प्रकाश होगा, बुद्धि प्रकाश से तात्पर्य आध्यात्म प्रसाद या रितंबरा प्रज्ञा उस साधक में आ जाएगी। रितंबरा प्रज्ञा क्या थी, कि वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो जाना, उसके कारण का पूरी तरीके से सत्य सत्य ज्ञान हो जाना, वो वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, अब उसका फिर बता रहे हैं कि छठे नंबर के में, कि जो संयम करना है वो एक क्रम से करना है, सिस्टमेटिक तरीके से करना है। जैसे कि पहले स्थूल विषयों को टारगेट किया जाए और फिर उसके बाद सूक्ष्म विषय पे कदम बढ़ाया जाए, ऐसे ही तो होता है। फिल्म्स में हम लोग क्या देखते हैं, फिल्मों में क्या देखा जाता है, जो मूवीज चलती है उनमें क्या होता है, पहले जो मैन विलेन रहता है उसके जो नीचे के हेल्पर जो होते हैं पहले उन्हें खत्म किया जाता है नहीं? फिर उससे बड़ा जो होगा फिर उस पे पहुंचेंगे। सबसे लास्ट में मैन विलेन मारा जाता है नहीं? यस सर। तो एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, वही सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो करना है आपको। जी धन्यवाद गुरु जी, थोड़ा नेट का इश्यू था तो ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। धन्यवाद ठीक है, तो क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। और सर नाइन में कौन क्या बताया था आपने? नाइन में जो, हाँ जी सर, वो परिणाम, वो तो संस्कार है, निरोध परिणाम है, परिणाम त्रय, वो वहां से स्टार्ट होते हैं। तीन परिणाम है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, परिणाम त्रय। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हो तो बताइए। सभी लोग टाइप करेंगे कि प्रज्ञा लोक की प्राप्ति किसे जीत लेने पर प्राप्त होती है। हाँ, किसको सिद्ध कर लेने पर या किसे जीत लेने पर? वेरी गुड विजय लक्ष्मी नाथ जी, आप बताइए, माइक खोल करके बताइए किस पे संयम। संयम, वेरी गुड। बहुत अच्छे, संयम को किस सिस्टम से फॉलो करना चाहिए, पहले हम सूक्ष्म विषयों पर टारगेट करें या स्थूल पर, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो आप लोग टाइप करिए। योगाविद पूजा, योगाविद पूजा बताइए आप, माइक खोलिए। भारती माली जी आप बताइए, आयुषी सिंह, देखो जो माइक नहीं खोलता बहुत गलत बात है, तुरंत माइक खोला करो जब आपसे बोला जाता है तो। सर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। वेरी गुड। अब आता है कि आप लोगों ने बताने हैं कि अष्टांग योग में कौन कौन से अंग अंतरंग नाम से जाने जाते हैं या अंतरंग साधन कहे गए हैं। टाइप करिए, अंतरंग साधनों के नाम टाइप करिए।
वेरी गुड, सभी अच्छा टाइप कर रहे हैं, बहुत अच्छे। पवन विद्यार्थी जी, जी गुरु जी, कौन कौन से हैं, अंतरंग साधन किसे कहते हैं? धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग साधन बोलते हैं हम लोग। वेरी गुड, सभी लोग टाइप फिर कर दीजिए, बहिरंग को भी बता दीजिए, टाइप करिए कौन कौन से हैं बहिरंग साधन। पुष्पा मुर्गाड, पुष्पा मैम, हेलो पुष्पा मैम, माइक खोलिए और बताइए। सर मैं क्या, पुष्पलता? पुष्पलता नहीं, पुष्पा, वो बोलती है उनसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है, उनका टर्न नहीं आता। नियम, नियम आसन, हाँ, और नियम आसन और एक प्राणायाम प्रत्याहार। यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि, नहीं नहीं, धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग हो गया, बहिरंग जी, प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है ठीक है, वेरी ठीक, सही से याद रखो है। लेकिन जो धारणा ध्यान समाधि किस के बहिरंग साधन है, हमने देख लिया कि जो धारणा ध्यान समाधि वे अंतरंग थे किसके, यम नियम आसन आदि के, लेकिन वे किसके बहिरंग हैं वे बताइए। पुष्पा मैम माइक म्यूट करिए आप। रितु टोडी मैम बताइए, जो धारणा ध्यान समाधि हैं वे किसके बहिरंग साधन है, किसके? संप्रज्ञात समाधि के, सॉरी अभ्यास, मुझे लगता है क्लास सही से अटेंड नहीं करी थी। सौरभ सेठी आप बताइए, और वो भी कोशिश करिए यहाँ जो नाम दिया गया है ना उसी को आप यूज करिए। समाधि, वेरी गुड वेरी गुड। टोडी मैम सुना आपने? यस सर सुना। हाँ, निर्बीज बोलते हैं उसे और असंप्रज्ञात बोलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन। अब जो चित्त के परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पे, कितने बताएं चित्त के जो परिणाम हैं? बहुत अच्छे, इसे समय ज्यादा ले ले रहा हूं, जल्दी जल्दी टाइप करिए आप और उनके नेम्स टाइप करें, टाइप द नेम्स ऑफ द चित्त परिणाम। तो सार जी नाम बताइए उनके। जी सर, सर पहले का है निरोध परिणाम, दूसरे का समाधि परिणाम, तीसरे का एकाग्रता परिणाम। बहुत अच्छे, किस परिणाम में व्युत्थान अवस्था के संस्कार दब जाते हैं और निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट हो जाते हैं, कौन से परिणाम में ऐसा होता है? तृप्ति वास्कर मैम नाम बताइए। सर निरोध, निरोध परिणाम की अवस्था में। वेरी गुड वेरी गुड, निरोध अवस्था में, निरोध परिणाम में, ठीक है। जानना चाहूंगा अग्रिम क्वेश्चन है आपसे कि किस परिणाम में किसी एक ध्येय विषय को चिंतन करने वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है, बाकी सभी के सभी दब जाते हैं लेकिन केवल एक ही विषय को ध्यान करने वाली अवस्था या वह संस्कार जो केवल एक ध्येय को ही याद करे या चित्त पे रखे, उस अवस्था को उसको कौन सा परिणाम बोलते हैं? शिवानी एंजेल नाम बताइए, शिवानी मैम। स्नेहल सिंह, माइक नहीं खोल रहे, स्मिता वर्कुल,
समाधि जी किस परिणाम में, बहुत गलत बात है, काफी लोगों ने जो माइक नहीं खोला ना, आगे से आप यदि ऐसा करोगे तो सर समाधि में। हाँ ठीक है, आपसे पूछा नहीं लेकिन आप पहले पूछा था उस समय आप जवाब नहीं दिया था, नहीं आपने दिया था शायद, वो दूसरी थी। बाकी ये है कि यदि जवाब नहीं दोगे तो क्वेश्चनिंग नहीं करवाई जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। अग्रिम क्वेश्चन, किस परिणाम में शांत होने वाले और उदित होने वाले दोनों के दोनों कि जो वृत्तियां हैं वो एक सी हो जाती हैं, एक सी, एकाग्रता एक थी, ठीक है। विकास राणा जी, नाम बताइए उसका। सर एकाग्रता। एकाग्रता परिणाम, पूरा नाम बोलना है, ठीक है जी सर। यानी इसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती है, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी का। सर सर छोटा सा प्रश्न गुरुजी। हाँ जी सर, जो आपने तीन परिणाम बताए इनसे आपने बताया था क्वेश्चन आएगा, तो सर सीक्वेंस में जैसे सीक्वेंस जा रही है एकाग्रता समाधि, सॉरी पहले क्या था, निरोध समाधि और एकाग्रता परिणाम, तो सर ऐसे ही सीक्वेंस जाएगी? बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको ये सेटअप करने होंगे जी सर। सर कहीं ना कहीं भ्रांतियां पहले हुई है ना, तो सर वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। भ्रांतियां क्यों, आपके पास टेक्स्ट है, मूल टेक्स्ट विद्यमान है, पहले से भेजा हुआ है, आप मूल टेक्स्ट को देखो और उसी हिसाब से सेटअप। आप हम लोग क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं समाधि मिल गई सबसे बड़ी चीज मिल गई तो सबसे बाद में आएगी वो, ऐसा सोचते हैं ना, जबकि यहाँ समाधि को पहले रख, निरोध को और पहले और फिर समाधि बीच में आई है, एकाग्रता वाली स्टेज को सबसे लास्ट में लाया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग या उल्टा थोड़ा कॉमन सेंस ये यूज कर लेते हैं कि समाधि सबसे बाद में प्राप्त होती है, तो समाधि सबसे बाद में आएगी ऐसा नहीं लेना, यहाँ ये है कि समाधि पहले आई है, एकाग्रता बाद में आई है, ठीक है जी। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि गुरुजी हम संयम और धैर्यता को क्या एक ही संप्रदाय को हम मान सकते हैं क्या गुरुजी? वो धैर्य अलग चीज है जी, धैर्य अलग चीज है, वो पेशेंस है। और यहाँ संयम किसे कहा गया है, संयम इन तीन चीज की अवस्था को कहा गया है, तीनों चीजों की एकाग्र अवस्था को, एकत्रित अवस्था को, एक ग्रुप को कहा गया है, समूह का नाम। धारणा ध्यान समाधि को ही संयम तीन अवस्था को एक बोले, इन तीनों की एकत्र अवस्था को, जहाँ जहाँ ये तीनों विद्यमान हो उसको संयम कहा है। और वो धैर्य और वो जो डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं वो विषय, वो चीज अलग है, वो पेशे अलग है, ठीक। धन्यवाद, चलिए धन्यवाद सभी का, सभी लोगों को आया होगा। थैंक यू सर, हरिओम, धन्यवाद गुरु जी, कौशल सर धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कुछ बोल रहे हैं जी। मैं ना मैंने बहुत ले लिया है क्वेश्चन सर का, एक्चुअली आप अगली कक्षा में रखना अगर डाउट्स हो ज्यादा तो, ठीक है ठीक है, ओके धन्यवाद सर, प्रणाम, साधुवाद गुरु जी। मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे मेरा ये विभूति पाठ मिस हो गया था, से ये होगा कि यूट्यूब चैनल पे जाइए, क्या हो गया है आपका विभूति पाठ, क्या हुआ है तो मैम, विभूति पाठ हो गया है मेरा, मिस हो गया, मिस क्या, चैंटिंग मिस हो गई है? नहीं मैं इसको, मैं चैंटिंग तो मैंने पढ़ा था कर, लेकिन इसको मैं सुन नहीं पाई हूँ, जैसे इसकी मीनिंग आज का मीनिंग पर है, कौन सी क्लास का, आज का कि पिछली कक्षा का, कब का आपका मिस हुआ है? ठीक है, अच्छा था पिछली का, आप चैनल पे चले जाओ उस पे मिल जाएगा ना, हाँ राहुल आर्या एमडी बाई ए पे जाओ, आपको वहाँ पे ना वो मिल जाएगी, ये योग दर्शन वाली सर्च करना, रेगुलर अपलोड की जाती है उस पे, जिसकी भी जो कक्षा छूट जाती है, कौशल सर की हो चाहे राहुल जी की, जिस किसी की भी है, वो सारी है उस पे अपलोडेड, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर।
हम लोग शुरू करते हैं, काफी देर हो गई है तो ब्रेक ना लेकर के शुरू कर लेते हैं कक्षा को। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः, नमो नमः, प्रणाम सब लोगों को। प्रणाम, हरिओम, 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 नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते गुरुजी। प्रणाम, प्रणाम। राहुल आचार्य का हट प्रदीपिका का वीडियोस मिलेगी उसमें? हाँ, उसमें है हट प्रदीपिका, पूरा है यूट्यूब चैनल पे है।